प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचन एक कनानी स्त्री को हमारे सामने रख रहे हैं। जब ईसा मसीह यरूशलेम से सुसमाचार का प्रचार करते हुए आगे बढ़ते समय एक कनानी स्त्री चिल्ला चिल्लाते हुए उनके पीछे कर रहे हैं, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी अपदूत द्वारा सताई जा रही है। वहां पर अनसुना करते हुए आगे बढ़ने वाला ईसा कोई आकर के उन्हें नारे के बारे में बताने पर भी ईसा मसीह ही कहते हैं, मैं इसराइल के कराने के। जब शिष्य लोग ईसा मसीह से उन्हीं को विदा करने के लिए विनती करते समय भी ईसा मसीह उनसे कहते हैं, मैं केवल इसराइल के घराने के कोई हुई भेड़ों के बीच भेजा गया। फिर से वो स्त्री यही विनती करते हैं कि बच्चों के चोर पिल्ले खाते ही हैं, अपने जीवन में कितने सारे रुकावटें आने के बावजूद भी ईश्वर से वही मसीह से कि मेरे बेटे का अपदूत से मुक्ति मिलेगी यही पता चलने पर बुद्धि और स्त्री तीव्र विश्वास के साथ ईश्वर मसीह के समक्ष विनती करते हुए उनके पीछे पीछे चिल्लाते हुए जा रहे हैं। आखिर ईसा मसीह उन्हीं के प्रार्थना सुन लेते हैं और उन्हीं को कहते हैं कि नारी तुम्हारी विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम भाई बहन उसी क्षण उसका बेटी चंगी हो गई। आज इन पवित्र वचनों के सानिध्य में रहते समय हमारे विश्वास में कितने भी बाधाएं आए उससे प्रभु पर विश्वास करते हुए हम सब कोई प्रार्थना करे और ईश्वर से उचित आशीष हमारे जिंदगी में प्राप्त करे। प्रभु ख्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करे। सबको यीशु।